बहुत ही खुशी की बात है कि आज नवरात्र की शुभ अवसर पर काफ़ी समय बाद मैं आपको बता दूं कि लगभग 50 वर्षों से गढ़वाल सभा की जब यहाँ रामलीला होती थी तो यहाँ लोग मंचन करने आते, तो हमारे पिताजी और बुजुर्ग बताया करते कि हम अपनी घर से बोरियाँ लेके और सीसल की तरफ वो जो रोड और रास्ते हैं वहाँ पर हम बैठा करते थे। तो आज मैं बधाई देना चाहता हूँ नावा युवा कला केंद्र के सभी पदाधिकारियों को, क्योंकि यहाँ पर जितने भी बच्चे कलाकार हैं वो सब इम्प्लॉयज़ के बच्चे हैं और स्वयं वो इस चीज़ के लिए आगे आते हैं, रोल करते हैं। और आपने देखा होगा बिल्कुल आपको लगता है कि मंच जो है युवा कला केंद्र ने मंच प्रदान कर रखा है जहाँ पे अपनी प्रतिभा को उभार सके, इसलिए नाभा के युवा कला केंद्र के लोग बधाई के पात्र हैं। और आज नवरात्र का भी दिन है, इसलिए सब नाभा वासियों को, आप सभी लोगों को मैं नवरात्र की भी बधाई देना चाहता हूँ। और ये मंचन जो है 9 दिन चलने वाला है, दशहरे के साथ इसका समापन होगा। दशहरे का भी बड़ा कार्यक्रम जो है नाभा में होता है, उसमें बहुत से लोग आते हैं और काफी 4-5 हज़ार की जनता आती है, नाभा के लोग उनका स्वागत करते हैं। इसी तरीके से ये जो परंपरा है लंबी चली आ रही है और ये चलती रहेगी, और मैं इसके लिए नाभा युवा कला केंद्र के पदाधिकारी हैं, बाकी सब लोग हैं। आज हमारे जो गणमान्य व्यक्ति महापौर महोदय सुरेंद्र चौहान जी आए हैं, उप महापौर आए, उनके साथ जो पार्षद आए उनका भी मैं धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने प्रोत्साहित किया हमारे कलाकारों को, क्योंकि यहां पे उन्होंने आशीर्वाद दिया, इससे जो आत्मबल है कलाकारों का वो बढ़ता है। पुनः एक बार मैं सबको बधाई देना चाहता हूँ, आप सब लोगों का धन्यवाद करना चाहता हूँ। देखिए मुझे बड़ा अच्छा लगा युवा कला केंद्र नाभा में बहुत वर्षों से रामलीला होती है, बीच में कोरोना का काल आया उस वक्त से रामलीला बंद हुई, लेकिन आज पुनः इसको दोबारा से शुरू किया जा रहा है। एक बड़ा मुझे इसमें आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, एक बड़ा बहुत ही अच्छा कार्य नाभा युवा केंद्र कर रहा है। और मुझे लगता है कि आज की जो जनरेशन के हिसाब से हमारे जो युवा साथी हैं, हमारी अपनी संस्कृति को, हमारे जो शास्त्र है उसके बारे में ये मंचन स्टेज के माध्यम से करना बहुत बड़ी बात है। आज के समय में ऐसा बहुत कम, ये मुझे बोलते हुए बड़ा अफसोस होता है कि अब बड़ा कम रह गया वो, ऐसा बहुत कम करता है। उसमें नाभा में ये स्टेज के माध्यम से रामलीला का मंचन किया जा रहा है, एक बहुत ही खुशी का अवसर भी है और मुझे इसमें आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मेरे साथ उमा मैडम भी आए हैं, डिप्टी मेयर हैं, स्थानीय पार्षद हैं, हम लोग आलोक पठानिया जी हैं, अंकुश जी हैं, शिमला के अलग अलग विभिन्न वार्ड से यहाँ पार्षद आए, उसके ये देखकर मुझे बड़ा अच्छा लगा। और कलाकार स्टेज के माध्यम से, मंच के माध्यम से अपनी कला का अभिनय करके लोगों को सामने प्रस्तुत करते, और मुझे देख के बड़ी खुशी हुई कि यहाँ लोग काफ़ी संख्या में आए हुए हैं भी। और मैं चाहता हूँ कि बहुत सारे लोग इसमें रोज़ आएँ, अपने हमारी रामलीला के जो मंचन जी कलाकार जो अपने स्टेज पे कर रहे हैं उनका सबका हौसला बढ़ाएं, सबको आना चाहिए और रामलीला का इस मंचन को देखना चाहिए। आप सब यहाँ आने पे सबका धन्यवाद करना चाहती हूँ कि जिन्होंने हमें यहाँ बुला के इतना मान सम्मान दिया, और ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि जो यहाँ रामलीला का ये जो दृश्य देखने के लिए मिल रहा है। आज हम बहुत खुश हैं कि हम पे बचपन की यादें आ रही हैं, क्योंकि हमने कभी बचपन में ही देखी है, और इस समय तो हमें आप लोगों ने यहाँ बुला के जो ये हमारे को दिखा रहे हैं आप, ये सब उससे हम बड़े खुश हैं। और हम चाहते हैं कि ये हमेशा यहाँ चलता रहे, इस तरह से सब ये रामलीला कई वर्षों तक चलती रहे। मेरा नाम पंडित शशिपाल डोगरा। ये जो रामलीला का मंचन हो रहा है ये हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है, क्योंकि इसी के द्वारा ही हमारी सनातन संस्कृति को आगे बढ़ाया जाता है। पहले समय से लेकर ये लीलाएं होती रहती थी, लेकिन बीच का जो एक समय दौर ऐसा आया जिसमें इस प्रकार के मंचन बिल्कुल बंद हो गए थे, और हमारे जो लोग हैं, हमारे युवा भी जो हैं, वो पश्चिमी सभ्यता की तरफ भागना उन्होंने शुरू कर दिया। परंतु इस वक्त हम पुनः देख रहे हैं कि हमारी जो ये संस्कृति है उसके प्रति हमारे लोग जागरूक होते जा रहे हैं, और कई जगह पर ये जो है रामलीला का मंचन युवाओं के द्वारा किया जाता है, और ये होना भी चाहिए, क्योंकि आजकल की जो युवा पीढ़ी है वो नशे की तरफ ज़्यादा बढ़ रहे हैं। अगर हम चाहते हैं कि हमें अपने बच्चों को इन नशे से मुक्त करवाना है तो इस प्रकार के आयोजन होते रहने चाहिए, ताकि हमारे बच्चों को हमारे संस्कार और संस्कृति का पता चले, क्योंकि जो भगवान है वो एक मर्यादा पुरुषोत्तम है। उन्होंने एक ऐसा संदेश समाज के लिए दिया है, केवल मात्र रामायण ही एक ऐसा
रामायण के द्वारा ही एक ऐसा मंचन होता है जिसमें भाईचारे का भी संदेश दिया जाता है और हमारी संस्कृति और सनातन पद्धति का भी ज्ञान लोगों को दिया जाता है। देखा गया है कि जैसा कि हम सभी को पता है कि नाभा में जो रामलीला का मंचन जो है काफ़ी समय से हो रहा है और हमें बहुत गर्व है कि नाभा में आज भी जो है इस चीज़ को कंटिन्यू किया जा रहा है। ये हमारी सांस्कृतिक धरोहर है। बच्चे जो आज गलत दिशाओं में जा रहे हैं, नशे की तरफ जा रहे हैं, तो उनका जो एक झुकाव है अगर इस तरीके के प्रोग्राम्स की तरफ हो, वो पार्टिसिपेट करें, तो हम लोग इस प्रॉब्लम से काफ़ी हद तक उभर सकते हैं। रामलीला हमें एक अच्छा व्यक्ति बनना सिखाता है, सत्य को फॉलो करना सिखाता है और यही सब जो ट्रेट्स हैं वो हमारे बच्चों में आने चाहिए। और मैं चाहती हूँ कि जिस तरीके से ये मंचन यहाँ पे चल रहा है और जगह पे चलता रहे और हमारे जो युवा पीढ़ी है वो सही दिशा में जाए।